2020, एक साल जिसने हमें जड़ से हिला दिया। हमारी जनरेशन ने शायद ही इतना बुरा वक्त देखा होगा, लेकिन बुरे वक्त की एक खास बात होती है कि वो भी चला जाता है। Now to the coronavirus pandemic and the race for a vaccine. Researchers at Oxford are reporting new data from their experimental vaccine today. India's first successfully developed COVID-19 vaccine candidate, Covaxin, gets approval for human trials. On to some breaking updates coming in, viewers. Prime Minister Narendra Modi has just now tweeted on Donald Trump's visit to India this month. The President of the United States of America, Mr. Donald Trump. As the great religious teacher Swami Vivekananda once said, this is the country where your people cheer on some of the world's greatest cricket players, from Sachin Tendulkar to Virat Kohli. नुनली पसंद है कि पापा पे गई आप। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको एक बार फिर बता दें, अयोध्या में बनेगा राम मंदिर। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट निर्माण की भूमिका केंद्र सरकार को दी है। MS धोनी, फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। Sonu Sood has sent 350 migrants in 10 buses from Maharashtra to their respective villages. To introduce the President-elect of the United States of America, Joe Biden. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. As they say, there are always two sides of the coin. We can say that 2020 was not all bad after all. कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से सारे सपने, प्लान्स या तो फ्लॉप हो रहे थे या पोस्टपोन। FTII के रिजल्ट्स पोस्टपोन, BMM की फाइनल सेमिस्टर पोस्टपोन, NSD की वेबसाइट तो जैसे बंद हुई पड़ी थी और मुंबई जाने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन वहाँ के फ्लैट का रेंट तो भरना पड़ता था। 4 महीने बेवजह रेंट भरने के बाद हम सब दोस्तों ने फाइनली हमारा प्यारा फ्लैट छोड़ने का डिसीजन लिया। दिस टाइम आई न्यू इट वॉज डिफरेंट। आई वॉज ऑफिशियली लीविंग मुंबई, पर जैसे कहते हैं ना, तुम मुंबई से बाहर तो जा सकते हो, पर मुंबई तुमसे बाहर कभी नहीं जाती। जहाँ एक तरफ मुंबई से मेरा एग्जिट हो रहा था, वहीं गांधीनगर में दूसरे तरफ नए घर की शिफ्टिंग चल रही थी। महाराष्ट्रियन होने के नाते सत्यनारायण की पूजा कर घर में एक उत्सव का माहौल बन गया। अपनी रूम को डिजाइन करना अपनी जिंदगी को डिजाइन करने जैसा लग रहा था। इस बदलाव से काफी पॉजिटिव भी फील हुआ। अब लॉकडाउन की डिप्रेसिंग यादें पिछले घर के साथ ही पीछे छूट रही थी। लॉकडाउन की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे 3 महीनों से सांस रोक रखी हो। तो जब फाइनली बाहर जाने का मौका मिला तो सांस में सांस आई। पहली बार थोड़ा पेट भी भर आ गया था, तो मैं रोज मॉर्निंग रन पे जाने लगा। ऐसे में FTII के रिजल्ट अनाउंस हुए, जिसकी टॉप 70 लिस्ट में मेरा रोल नंबर नहीं था, जिसका मतलब FTII में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। FTII के प्लान से हटने के बाद अब बस NSD की आशा थी। मैंने अपना पूरा फोकस NSD की प्रिपरेशंस में लगा दिया, पर NSD की वेबसाइट 5 महीनों से कोई अपडेट आने पर भी अपडेट नहीं दे रही थी। लेकिन तभी गणपति का आगमन हुआ। सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव
गणेश चतुर्थी सिग्निफाइज न्यू बिगनिंग्स एंड अ फ्रेश स्टार्ट, और वही हुआ। धीरे धीरे कोरोना का डिप्रेसिंग फेज अब चेंज हो रहा था, लॉकडाउन खुल चुका था और फिर से नई उम्मीदें जाग रही थी। टीवी पर सुशांत के बकेट लिस्ट के बारे में सुना और मैंने सोचा कि हम सबकी अपनी एक बकेट लिस्ट होती है, कुछ चीजें जो हम मरने से पहले करना चाहते हैं पर उसे दिमाग से निकालकर हकीकत में बदलने के लिए कुछ खास करते ही नहीं। इस कोरोना काल में जिंदगी की कीमत हम सभी को महसूस हुई और इस बात ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया दैट इफ आई वॉज टू डाई राइट एट दिस मोमेंट वुड आई बी हैप्पी, वुड आई बी सैटिस्फाइड। Answer was no. There was still so much to explore, so much to experience and so much to learn. It was that very moment I decided what I want to do with my life. Iski shuruaat maine mere bachpan ke khwahish puri karne se ki by joining mixed martial arts. Zindagi ke agle 3 saal jab daav pe lage tab maine ye agle 3 saal fir se plan kiye, lekin is baar अपनी नई बकेट लिस्ट को मद्देनजर रखते हुए एंड जस्ट लाइक दैट हैविंग अ रियल पर्पस इन लाइफ चेंज्ड माय लाइफ कम्प्लीटली। एमएमए की वजह से लाइफ डिसिप्लिन हो गई थी, सुबह 6 बजे उठना, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना और फिर 3 घंटे का इंटेंस वर्कआउट। आई वाज फीलिंग स्ट्रॉन्गर देन एवर। साथ ही साथ फाइनली हमारी फाइनल सेमेस्टर ऑनलाइन हुई जिसमें खतरनाक अभ्यास के बाद सभी को 10 पॉइंटर आया। दूसरी तरफ मम्मी अपना खुद का बुटीक खोलने जा रही थी जहां मैं उनको विजिटिंग कार्ड, लोगो, बैनर्स एंड शॉप के इंटीरियर में मदद करने लगा। पुष्पा सारीज की ग्रैंड ओपनिंग, सारी मेहनत रंग लगी। इस सक्सेसफुल बिजनेस के साथ मम्मी की बकेट लिस्ट पूरी हो रही थी और साथ ही साथ मेरी भी। 7 नवंबर को मैंने IELTS की एग्जाम्स दी। इसी दौरान मुझे हमारे जिम का एक कमर्शियल वीडियो शूट करने का मौका मिला और इसके साथ अब हम MMA के नए टेक्निक्स को सीखते हुए जल्दी उनको आजमाने वाले थे। ऐसे में दिवाली आती है जहां मेरी अज्जी, काका, काकू और मेरा भाई संदीप, हम सब ने एक साथ दिवाली मनाई। फाइनली हमारा बॉक्सिंग वीडियो अब रेडी था जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, और तभी इट वॉज टाइम फॉर माई फर्स्ट एवर किक बॉक्सिंग मैच। पड़ी गई, कर कर जल्दी, 30 सेकंड बाकी है। कमन 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 चल, कई कई ना चल। साल अब बस खत्म होने जा रहा था और एक नए साल की शुरुआत फिर से बेहद खुशी, जोश और उम्मीदों के साथ करनी थी। इस साल कई महीनों से घर बंद रहने के बाद फाइनली इट वॉज टाइम फॉर माई फर्स्ट ट्रिप आफ्टर लॉकडाउन।